असफाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर पश्चिमी यूपी में डीएपी खाद की भारी किल्लत है। कृषि विभाग के अधिकारी यहां पर रक डाइवर्ट करते हैं और कृषि निदेशक विवेक सिंह को कोई चिंता नहीं है, और जेडीएस फर्टिलाइजर अनिल पाठक पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें यहां पर पश्चिम और सेंट्रल यूपी में किसान काफी ज्यादा परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान यहां पर अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यूपी का कृषि विभाग आंखें मूंद करके सो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कृषि विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। लगातार यहां पर किसान परेशान है, केंद्रों के बाहर लोग खड़े हुए हैं, किसान खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें पश्चिमी यूपी में डीएपी खाद की भारी किल्लत है, कालाबाजारी भी इसकी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कृषि विभाग आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। और आपको बता दें कृषि विभाग के अधिकारी रैक डाइवर्ट करते हैं, कृषि निदेशक विवेक सिंह को कोई चिंता नहीं है, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जेडीए फर्टिलाइजर अनिल पाठक पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं पश्चिम और सेंट्रल यूपी में किसान काफी ज्यादा परेशान है। लगातार भारत समाचार आपको दिखा रहा है कि कैसे केंद्रों के बाहर किसान खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद रात से खड़े होने के बावजूद इन किसानों को खाद नहीं मिल पाती है, कालाबाजारी का खेल भी लगातार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर कृषि विभाग की देखने को मिली है। कृषि विभाग आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, वहीं किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें पश्चिमी यूपी में डीएपी खाद की भारी किल्लत है, किसान परेशान है और केंद्रों के बाहर खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वीरेन सिंह हमारी स्टेट एडिटी पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेन जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, लंबे समय से किसान परेशान हो रहे हैं, केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, किसान यहां पर लगातार दिन रात खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कृषि विभाग आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है ये। बिल्कुल, देखिए जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम पर्याप्त रूप से खाद भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव का माहौल है और 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, और प्रदेश के किसान डीएपी खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लाइन लगी हुई है, भटक रहे हैं लोग, ये सब कृषि विभाग के अफसरों की लापरवाही के नाते हो रहा है। बिल्कुल, ये अधिकारी आंख मूंद कर सोए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक हैं विवेक सिंह, और जो खाद की पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देखते हैं संयुक्त कृषि निदेशक फर्टिलाइजर अनिल पाठक, इन दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराएं। और एक जमाना था कि जब खाद के लिए लाठियां खाते थे किसान, योगी सरकार ने वो आकर ये स्थितियां बदली, लेकिन अब फिर 5वें साल में चुनाव में सरकार है और वही स्थितियां दोबारा से आ रही है, तो ये कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक से और जेडीए फर्टिलाइजर से कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किसान क्यों लाइन लगाए खड़ा है, क्यों खाद उसको नहीं मिल पा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी खाद की रैक आती है ट्रेन के द्वारा, तो इस रैक को कृषि विभाग के अधिकारी अपनी मनचाहे जिलों में डाइवर्ट कर देते हैं। पश्चिमी यूपी की खाद सेंट्रल यूपी में भेजी जा सकती है और सेंट्रल यूपी की खाद पूर्वांचल में भेजी जा सकती है, ये कृषि अधिकारी तय करते हैं, और इसी तय करने में सारा खेल है, और यही वजह है कि डीएपी खाद का और यूरिया का संकट आए दिन प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। सरकार के अगर इस पर ध्यान देगी तो ये अधिकारी निश्चित ही सुधर जाएंगे और किसानों को खाद भी मिल सकेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन सिंह। और वहीं आज पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी जमावड़ा लगेगा। आपको बता दें पश्चिम के